नमस्कार, स्टेट न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। होशंगाबाद में सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर घूम और बैठ रहे गोवंश, जिसकी वजह से टक्कर से मौत हो जाती है, कोई घायल हो जाता है, जिनकी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। प्रशासन और नगर पालिका भी इस बात को लेकर नीति बनाते तो हैं, पर उसे लागू नहीं कर पाते। आज होशंगाबाद में इन गोवंशों के लिए अच्छी गौशाला की व्यवस्था भी नहीं है, जिसमें इनको रखकर उनकी देखभाल की जा सके और इनको मौत से बचाया जा सके। तरह की कोई दिक्कत परेशानी होती है इनसे? हाँ, इससे एक्सीडेंट होते हैं। बाइक, फोर व्हीलर, टू व्हीलर का एक्सीडेंट होता है, जिससे वाहन को भी क्षति होती है और अपने आप को भी क्षति होती है। जो इस तरह किसी तरीके से नुकसान होता है, आपने कहीं अपील की है? हाँ, अपील करी है। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार कर चुके हैं, हर साल करते हैं, जब भी एक्सीडेंट होते हैं, जब हर बार करते हैं अपील, लेकिन कोई उसका परिणाम नहीं निकला अभी तक। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रशासन की लापरवाही देखी गई है। हाँ बिल्कुल, इसमें लोगों की जाने भी जा रही है, जानवरों की जानवर, हाँ दोनों को क्षति हो रही है काफी। वैसे मेजर बोन इंजरी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सर में चोट है हल्की सी। और सबसे जो मेन उसमें ड्रॉबैक है कि वो शायद जो वाहन चालक है वो गाय को बचाने में गड्ढा क्रॉस कर गया और उससे गाड़ी एम्बुलेंस और उससे वो गिर गया। गिरने के बाद जो सबसे बड़ा उसमें समस्या आई कि पूरे शरीर पे गिरते हुए कारण से छोटे 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 घाव बन गए। इन घावों में इन्फेक्शन जो है सबसे बड़ा वो है। और ये प्राय देखा जाता है, क्योंकि नर्दो हॉस्पिटल यही डबल थाना के पास में है, कि दूसरे जानवरों को बचाने में और जो अभी इतने बड़े बड़े गड्ढे खुदे हैं उसमें दुर्घटनाओं का वो बढ़ता चला जा रहा है, ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। कुछ न कुछ जो बैल हैं, करीब मैंने 70 बैलों को बाहर भेजा है पकड़ के, और जो गैया हैं उनको भी मैं धीरे धीरे गौशाला में भेज रहा हूँ। इनके लिए कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई है या फिर? जी हाँ, ड्यूटी हमारी टीम काम कर रही है। होशंगाबाद से मनोज सिंह ठाकुर। हर छोटी बड़ी खबर से सबसे पहले रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारी न्यूज़ आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करें।